गाइस देखते हैं कि आखिरी मैच का जवाब दे पाता हूं या नहीं। एक ना मुजरी में बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो आ गए आप लोग। तो गाइस यही है कि आज जुम्मे का दिन है, मैं नहा तो लिया हूँ और अब सीधा नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँगा। और रिलेशन का भी कुछ पता नहीं है और बाकी कुछ मस्जिदों में जो है अभी अजान शुरू हो चुकी है। तो गाइस घर पे ताला लगा के मैं तो नमाज मस्जिद के जानिब निकल गया और एक बच्चा जो है यहाँ पे बैट बॉल लेके जा रहा है जुम्मे वाले दिन भी। तो गाइस हमारे दोस्त अहमद का घर था ये जहाँ पे कलर हुआ है और अहमद भाई जो है यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं, यहाँ पे पहले रहते थे और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना पानी पड़ा हुआ है। तो गाइस ये सारी दुकानें बंद है क्योंकि सबको जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है, इसी की वजह से ये शयान यहाँ पे हम आए थे आप जानते, और ये भी बंद है, अभी सब कुछ बंद है। ये मस्जिद तो खुली हुई है लेकिन यहाँ पे जो है जमात होती है 2:30 बजे और जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ होती है 2 बजे, तो आधा घंटा बाद यहाँ पे होती है और मैं यहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे आधा घंटा पहले होती है। मैं आहिस्ता आहिस्ता अकेले ही मैं मस्जिद के जाने जा रहा क्योंकि ना ही अली हसन है और ना ही आज कोई मेरा सब्सक्राइबर है, वरना वो साथ में ही आता, आज कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेले ही आ रहा हूँ। शाहरुख भी दूसरी मस्जिद में आता, मैंने शाहरुख के साथ चले जाता। तो गाइस मैं यहाँ से जा रहा था, मेरे को कुछ सब्सक्राइबर मिल गए और देखो हमारे को नमाज के लेट हो रही है। अच्छा जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दो। हसनैन। आप यहाँ पे पतंग उड़ाने के लिए आए हुए थे और आप नाम पतंग उड़ाने के लिए आए हुए थे? लोग आ जाओ यार, जाओ। तो गाइस मैंने जुम्मे की नमाज़ से पढ़ ली है, जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था जब तक तो मेरे को सब्सक्राइबर मिल गए थे, लेकिन मैंने अली हसन को बहुत ढूंढा लेकिन अली हसन भी नहीं मिला। अब यही है कि यहाँ से सीधा देखता हूँ अली हसन के घर पे जाता हूँ, उसके बाद फिर घर पे आऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ हमेशा की जगह आज भी ग्राउंड से, और ग्राउंड बिल्कुल सुनसान नहीं पड़ा हुआ है। सामने जो है बच्चे जो है झूला झूल रहे हैं क्योंकि पहले झूला नहीं था, अभी उन्होंने दोबारा झूला डाल दिया है और ग्राउंड बिल्कुल इस तरफ तो खाली पड़ा हुआ है। और एक बच्चा जो है पता नहीं ऊपर चढ़ के क्या कर रहा है मालूम नहीं, बाकी कुछ बच्चे जो है वो झूला झूल रहे हैं, सिर्फ एक बच्चा जो झूला झूल रहा है कुछ नहीं है। इस मस्जिद में सामने जो मस्जिद है यहाँ पे सलाम पड़े जा रहा है। और भाई झूला झूल रहे हो, क्या नाम है? पाकिर। अवेश भाई कब से झूला झूल रहे हो? 5 मिनट पहले से। फाकिर भाई को आपने कितने पैसे दिए? 10 रुपए में कितनी देर है फाकिर भाई? 5 मिनट तो होगा भाई, इसको निकालो, मैं तो बोल रहा हूँ। और वहाँ पे पता नहीं गाइस ये बच्चे क्या कर रहे, 3 बच्चे। मोहम्मद फहद आप झूला झूलने के लिए जा रहे हो? पैसे दे दिए? ओहो पैसे नहीं है, आप साइकिल पे घूम रहे हो, झूला क्यों नहीं झूल रहे? पैसे नहीं है। अच्छा पैसे लेकिन डर लग रहा है झूला झूलने से। अच्छा तो गाइस अभी दोपहर का टाइम है और अली हसन आ चुका है। अली हसन सबसे पहले तो ये बता, तुमने जुम्मे की नमाज कहाँ पे पढ़ी? दादी के घर। अपनी दादी की? दूसरी मस्जिद में पढ़ी है भाई, एक सिंडिगा। हाँ ये कैसे लगी तुम्हारे? और ये देखो। हाँ ये कैसे लगी दोनों? अबे जल गया ये मेरा। जल गया? देखो हम ये जो दो फिंचर लेकर आए, आपका क्या कहना है, कैसी लगी आपको फिंचर? ये जोड़ा है पूरा बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी? हमने ये काम करके सही किया गलत किया? सही किया। सही किया। देखो हमने इसको चावल भी रखे हुए, चावल दिए हुए गाइस, और ये पानी है, पानी के साथ ये वो है इसका क्या है, दाना बाजरा। हाँ अभी ये दोनों फिंचर जो है घूम रही है। हाँ ये है इसका विटामिन कमी करने का, ये तुम्हें पता होगा जैसा ये खाती है, ये तुम्हें पता है चौंक ये खाती है। कब पाली थी तुमने जैसा पिंचे? अच्छा अब तो 200 रुपये हो गए। हाँ जाहिर सी बात है, पहले तुम छोटे थे अब बड़े हो गए, ठीक है समझ गया। तो गाइस अभी शाम का टाइम है, आज का दिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान और नेदरलैंड का मैच चल रहा है। तो हाँ नहीं नेदरलैंड यार, नेदरलैंड। तो ये उबेर भाई खीरा खाते हुए यार, मसला ये है कि हमारे घर में केबिल नहीं आ रहा है, हम इस गली में रहते और इस गली में केबिल आ रहा है और इस गली में रहते बिलाल भाई मैच का हाल बताओ आप। इस गली में शयान भाई भी तो रहते हैं। हाँ शयान भाई भी रहते हैं।
क्या मैच का हाल बताओ, 250 रन तक देगा, हमने उसके आगे देखा ही नहीं, उसके बाद लाइट चली गई। और मैंने 300 रन तक देखा। तुमने 300 रन तक क्या देखा? 250 और 300 कितने हो गए? 550 रन हो गए। अबे इन्हें 250 तक के का और मैं 300 तक के। अच्छा रन की टारगेट कितने का दिया जाएगा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान ने नेदरलैंड को कितना टारगेट दिया ये बताओ? 300 का। पक्की बात है? चल झूठा। और अगर ये बात झूठ निकली तो कितने का दिया कोई बता सकते हो? मैच नहीं देखा इन्होंने। शयान भाई सच बताओ, पहली बताओ तुम्हें। 250 का दिया। हाँ बोलो, क्या पहली पूछे थे आप? पूछो वो कौन सी चीज़ है जिसको बंद करो तो खुली आती है, खोलो तो बंद हो जाती है? ताला। देखो वो कौन सी चीज़ है जिसको बंद करो तो खुली आएगी, खोलो तो बंद हो जाएगी? आंखें। हार मानी। शटर। कैसे इसको ये ऐसे हो जाता है शटर, जब खोलता है तो बंद हो गया, ऊपर से तो बंद, नीचे करो तो खुल जाता है, और अगर खोलो तो बंद हो जाता है ऊपर से। क्या दिमाग है तुम लोग? क्या लेकर आए हो? सब्जी। क्या पकाया जाएगा? आलू। आलू आलू का सिर्फ सालन पैसे, धनिया और आलू ये पकाए। पैसे भी पकाए जाएंगे तो पैसे भी तोड़ के लाए हो? खरीद के लाए हो? 100 रुपये किलो चल रहे हैं पैसे भी। अच्छा तुमने कितने शिदाक लिए? मैंने दो लिए। चलो जी फाइनल करो। फाइनल है भाई, गाइस देखते हैं कि आखिरी मैच का जवाब दे पाता हूं या नहीं। एक ना मुचरी में बहुत शक्तिशाली, अगर उसको जेल में डालते ना तो दीवारें तोड़ के पड़ता है। अब हुकूमत ने ऐलान किया उसको फांसी होगी, फांसी तो सुबह हुई, अब उसको रात कैसे रोकेंगे? अगर जेल में रोकेंगे तो दीवार तोड़ने बन जाएगा। एक कमरा उसके अंदर तका था, उसके अंदर पानी छोड़ा, कमरे के अंदर पानी के अंदर छोड़ दिया गर्म। अब उसको पता है कि मैं भागूंगा तो मर जाऊंगा, बताओ। हार मानी, हार मानी, पार्टी खत्म। सुन पता है हार मानी, मर गया बताओ। हार मानी ना, बोल तो दिया। चैप्टर है पूरा, एक जहाज है उसमें 500 मिला के एक गिर गया, कितने बचे? एक जहाज है उसमें 500 मिला, 500 मिला गए, एक गिर गया, कितने बचे? 499। अब हाथी को 3 स्टेप में बंद करना है, फिर इसके अंदर 3 स्टेप में बंद करना है, कैसे करोगे? नहीं कर सकता। देखो क्या क्यों नहीं कर रहा है, पहला स्टेप खोलो, दूसरा में हाथी को आ जाए, तीसरा बंद कर दे, ताली मारो। अब जंगल में हर जानवर एक चीज, एक जानवर नहीं है, बताओ कौन सा? जंगल में हर जानवर एक जानवर है। डायनासोर। सही बोला। डायनासोर डायनासोर तो दिखता ही नहीं है ना, जानवर तो मछली नहीं है जंगल में। बताओ कौन सा? हाथी। हाथी तो फिर इसके अंदर है। एक आदमी तालाब में नहा रहा है, भाई निकला मर गया, बताओ किसे मरा? आंख की आंख खुल गई। नहीं नहीं बताना नहीं अभी, जब तक ये हार नहीं मानी। हार मानी भाई, वो बिलाग गिरा था उसके उस सर पे आके लगा, वो मर गया। तो गाइस इन लोगों की पहली तो मेरे को समझ में नहीं आई, बिलाल और शयान की। उसके बाद मेरे को ये हसनैन भाई मिल गए, मेरे को खुद नहीं पता हसनैन भाई ये चेन पहने हुए, मेरे को याद नहीं है ना, बोलते तो हसनैन भाई ये चेन पहने हुए, उस चेन पे बिल्कुल जंग लगा हुआ है। ये अपने भाई अमान जी पहने हुए जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम्हारी है? झूठ बोल रहे हो तुम। ईद की चेन है, ईद में तुमने कपड़े की चेन खरीदी थी। और भाई हादी भाई क्या हाल है? हमारी पतंग काट दी उबेद ने। उबेद ने तुम्हारी पतंग काट दी? हाँ। मैं कह रहा हूँ गेट तोड़ दो, लाते वाते मारो। रयान क्या क्या कर रहे थे अंदर उनके घर में? क्या कर रहे हो? क्यों तंग कर रहे हो? कुछ भी करूँ तो मैं क्या? जाओ तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, आवाज़ आई है। शाम का टाइम है, यही है कि मेरे को लग रही थी भूख, तो ये बिरयानी रखी हुई है, तो यही है कि मैं बिरयानी खा लेता हूँ। आलू की लाइट अभी तक के गई हुई है, पंखा बंद है, गर्मी में खाना पड़ेगा क्योंकि लाइट नहीं है, टाइम भी गई। भाई अभी रात का टाइम है, यही है कि मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका है, आपको फिंचों की आवाज़ तो आ ही रही होगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो मैं मिलता हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में।